गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अर्थ पर जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो एक जैसे नहीं मिलते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्मली नहीं है, और इसी के बेसिस पर आपके ऑब्विगुअस हो सकता है और लोकलाइज्ड हो सकते हैं। रिसोर्सेज जो कि सब जगह पाए जाते हैं, सच एज एयर, सनलाइट और वाटर, इन्हें ऑब्विगुअस रिसोर्स करते हैं। विच आर फाउंड एट अ सर्टेन प्लेस, एक निश्चित जगह पर ही मिलते हैं वो, उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड। जैसे गोल्ड है और सिल्वर है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनमें नीड और मॉडिफिकेशन जो है उनके बेटर यूज के लिए किया जाता है। ह्यूमन बीइंग कैपेबल है चेंज करने में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में। देयर नॉलेज और जो स्किल्स है वो डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी को, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है बिल्डिंग डेवलप करने में, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल, इसीलिए उन्हें कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। डेवलपमेंट जो है रिसोर्सेज लार्जली आपका डिपेंड करता है नॉलेज और स्किल जो कि पीपल के पास होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और जो सभी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति में पाए जाते हैं उनका कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस हैं वो, जब तक कि ह्यूमन जो है उसे यूटिलाइज नहीं करता है अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। देखिए, खेत पड़ा हुआ है, जब तक खेत में अच्छा बीज खाद नहीं डाला जाएगा तब तक वो आपकी अच्छी फसल नहीं देगा, ठीक है। एजुकेशन है आपका, गुड हेल्थ है, उसने हेल्प किया है ह्यूमन बीइंग को कि और ज़्यादा वो वैल्यूएबल रिसोर्स बने। इट इज़ देयर फोर जो कंट्रीज हैं वो कंडक्ट करते हैं और स्किल्ड पीपल जो है कंट्री को डेवलप करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाकर रखना, उनका संरक्षण करना। और द डेंसिटी जो थी पॉपुलेशन की वो कम थी, पहले क्या थी जनसंख्या हमारी कम थी और ह्यूमन की जो नीड थी वो भी लिमिटेड थी, डिपेंडेंट थी वो प्लांट और एनिमल पर, और जो कि इजीली एनवायरनमेंट में अवेलेबल थी। दस दे नेवर फेल्ट द नीड फॉर द कंजर्वेशन रिसोर्सेज, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें पेड़ पौधों को इनको बचा कर रखना है। जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी में, मनुष्य ने शुरू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लार्ज स्केल पर, ठीक है। कंटिन्यूस पॉपुलेशन में आपका चेंज होता गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और इसी वजह से रिसोर्सेज की नीड और डिमांड भी बढ़ती चली गई। ये इसने एक सिचुएशन को ऐसे क्रिएट किया इन विच नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके एग्जॉस्ट हो जाए उस टाइम के बाद। देखिए, रिन्यूएबल तो प्रकृति अपने आप कर लेगी, जैसे हवा है, सूर्य की रोशनी है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सीमित होते हैं, ये रिन्यू नहीं होते हैं, उन्हें रिन्यू होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो बैलेंस जो था पॉपुलेशन ग्रोथ में और यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज में वो बहुत ज़रूरी था। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वही आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करें अब टुडे अपनी नीड के लिए भी और उन्हें कंजर्वेट करें फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीपल जो हैं उनको अवेयर बनाया जाए इस सिचुएशन से, शो आपका अराइज हो कि आपके लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ
नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो बर्बादी होगी आपकी लार्ज स्केल पर नेचुरल रिसोर्सेज की, ईच वन ऑफ हैज टू मीट, हमें सभी को सिंसियर बनना पड़ेगा और एफोर्ट करने पड़ेंगे ताकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को फ्यूचर के लिए सेव कर पाए। फ्यूचर एक्चुअली डिपेंड अपॉन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच है नेचर प्रोवाइडेड। नेचर ने जो हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है तो उसको हमें प्रिजर्व और मेंटेन करके रखना होगा अगर जिंदा रहना है। इसीलिए रिड्यूस द डैमेज डन, जो डैमेज हुआ है उसको रिड्यूस करें और अवर नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखें। थैंक यू बेटा।